सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक। फिर आ चुका हूँ और एक नए वीडियो के साथ। और अभी हूँ मैं ज़ाग्रेब में, क्रोएशिया में। और अभी फ़िलहाल मैं आज के दिन रहा आपको यहाँ का ग्रोसरी स्टोर यानी कि शॉपिंग मॉल यहाँ का आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स है, मतलब 5-6 अलग अलग नाम से है। जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल कंज्यूम में जा रहा हूँ, उसके बाद एक आइडल करके है, उसके बाद मैक्स करके है, ऐसे बहुत सारे है। तो आज मैं कंज्यूम लेके जाऊंगा और ट्राई करूंगा शाम को कि मैं आइडल भी लेके जाऊं। आइडल ज़ाग्रेब का सबसे चीपेस्ट मार्केट है, तो यहाँ पे सबसे कम रेट में चीज़ें मिलती है और कंज्यूम में थोड़ी मतलब ओके मीडियम रेंज पे मिलती है। तो दोनों का प्राइस बहुत डिफरेंस है, 2 से 3 कुना का है। तो जो भी मैं लूँगा यहाँ पर कुना से स्टार्ट होता है, तो एक कुना यानी कि 11 रुपया होता है, इतना याद रखना। तो आज मैं आपको यहाँ पे ग्रोसरी मार्केट लेके चलता हूँ, यहाँ का प्राइस रेंज बताता हूँ कि क्या है। और मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग इंडिया हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ भी 5-6 गुना की आती है, तो बहुत महंगा है यहाँ पर हर चीज़ अकॉर्डिंग इंडिया। और यहाँ की करेंसी के हिसाब से ऐसे नॉर्मल है, ऐसा लगता नहीं मेरे को कि ज़्यादा, पर अगर इंडिया से कंपेयर करें तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। और कंज्यूम मेरे घर से हार्डली जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट, और आइडल 1 किलोमीटर दूर है। तो मैं ट्राई करूँगा दोनों मार्केट जाने का, और मैं आपको 5 से चीज़ें कंपेयर करके बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें महंगी है यहाँ पे। तो हो सके उतना ही ट्राई करना कि आप सब चीज़ें इंडिया से ही लेके आओ। जैसे कि मसाले हो गए, यहाँ पे इतने स्पाइसेस मसाले नहीं मिलते, वो आप इंडिया से लेके आ जाना। और यहाँ पे बेलन नहीं मिलता है, बेलन मिलता है एक्चुअली, जो 50 से 60 कुना का मिलता है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये सब चीज़ें लेके आ जाना, कुकर लेके आ जाना, जो बेसिक चीज़ें हैं आप इंडिया से ही लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आधी चीज़ें मिलती नहीं है, और मिलेगी तो बहुत कॉस्टली मिलती है। तो अभी हम जा रहे हैं कंज्यूम मार्केट। और एक चीज़, मुझे यार जॉब के लिए बहुत क्वायरीज आ रही है। तो बेसिकली मैं तो जॉब प्रोवाइडर हूँ नहीं, तो मेरा जो फ्रेंड है उसकी ईमेल आईडी मैं आपको शेयर करता हूँ, तो आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे बाकी सब डिटेल पूछिए। मुझे ज़्यादा पूछो मत, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, उसने मेरा सब कुछ काम किया था, तो उनसे आप पूछ सकते हो जितने भी डिटेल्स है। तो बाकी यहाँ का टेम्परेचर अब सही हो गया है, अब गर्मी स्टार्ट हो गया है, अभी इतनी ठंडी नहीं पड़ती, बस थोड़ा रात को 8-9 बजे बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है, बाकी तो अब गर्म रहता है, तो ज़्यादा अभी अच्छा लगता है, कंफर्ट लगता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे सामने आपको दिखोगे तो वो है कंज्यूम मार्केट, तो हमें वहाँ पर जाना है। तो चलिए आज ग्रोसरी स्टोर एक्सप्लोर करेंगे, क्या प्राइस रेंज है सब कुछ आज देखते हैं। जैसे आप शॉपिंग सेंटर जाते हो या कोई भी मॉल जाते हो तो मास्क पहनना ज़रूरी है यहाँ पे, बाकी तो ऐसे लोग नहीं पहनते, बट जैसे ही जगहों पे जाओ तो मास्क बहुत ज़रूरी है पहनना यहाँ पे। तो हम यहाँ से अपनी टोकरी उठाएंगे, तो पहले हम टमाटर ख़रीदेंगे। तो टमाटर का रेट 13 कुना है 1 किलो का, तो देखने का ऐसे बड़े बड़े टमाटर रहते तो हम ट्राई करते छोटे छोटे लेने का ऐसे, और फिर ये थैली में डाल दिया। और मैं यहाँ पे वेट चेक करने जा रहा हूँ कि कितना किलो टमाटर है, तो ये है 1 किलो हो चुका है टमाटर। तो हम पहले टोकरी में हमारे डालेंगे टमाटर। तो ये है पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी का रेट कुछ 5 गुना के करीब है, तो हम उठाएंगे पत्ता गोभी भी। तो ये है फ्लावर कुछ है यहाँ पे 12 गुना का। पता नहीं यार, मुझे फ्लावर बड़ी स्कैम सब्जी लगती है, मतलब होती बहुत छोटी सी है और इतने सारे पत्ते लगे होते हैं। तो एक ये भी हम लेंगे, तो और इसके बाद इंडियन प्रोडक्ट बहुत कम मिलते हैं, जैसे ये देखो मैगी प्रोडक्ट है, जो हमारे लायक तो है नहीं, बट स्टिल ये मैगी का प्रोडक्ट है, बहुत कम मिलते हैं इंडियन प्रोडक्ट, जैसे कोलगेट मिल जाता है यहाँ पर, बहुत कम चीज़ें मिलती है। तो चलिए अभी हम आते हैं यहाँ पर फ्रूट्स पर, और फ्रूट्स में हम लेंगे एप्पल, और एप्पल का रेट है कुछ 13 गुना, तो हम ये ले लेंगे। एक्चुअली 2 किलो का रहता है, तो ये सही रहता है एक्चुअली, इनका अलग अलग पैकेज रहता है, तो इनके पैकेज में जो चीज़ें रहती है वो सस्ती रहती है। तो हम लोग देखते हैं कि हमेशा कभी रेड एप्पल सस्ते होते हैं, कभी ग्रीन एप्पल सस्ते होते हैं, कभी और कोई फ्रूट सस्ता होता है, ऐसा कुछ ना कुछ सस्ता होता रहता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ से लेते हैं, कुछ चीज़ हम आइडल से लेते हैं, ऐसे अलग हम लोग देखते रहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे भाजी और फ्रूट बहुत सस्ते हैं फिलहाल, लास्ट टाइम थोड़े महंगे थे, तो भी हम लोगों ने खरीदे कुछ, और कुछ हम लोगों ने आइडल से खरीदे थे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको ब्रोकलिन खरीदना हो, जैसे आपको ब्रोकलिन खाना हो, तो कुछ 19 गुना का ब्रोकलिन है, और बहुत सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं। हाँ, आपको कॉर्न खरीदना हो तो 15 गुना का कॉर्न है, ऐसी है। अगर गाजर खरीदना हो तो
7.42 कुना का गाजर है, फिर ये कांदाला है, ये कुछ 6 कुना का है, तो ऐसे ही सब अलग अलग है। आई डोंट नो इसको कुछ तो बोलते हैं मेरे जो नेबर ये खाते हैं, आपको पता हो तो मुझे इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये ब्लू बेरीज है, ब्लू बेरी का रेट कुछ 14 कुना है, और ये मिक्स सब्जी है, इसमें अलग अलग सब चीज़ें होती है। तो इसको मेरे जो नेबर्स है वो गर्म पानी में बॉईल करके खाते हैं, मुझसे तो नहीं खाया जाता ये सब। हम प्रॉपर इंडियन यार, हम मसाला के साथ खाने वाले इंसान हैं, तो हमें तो ये सब नहीं जमता है। तभी हम खरीदेंगे केला, और यहाँ पे केला किलो के भाव मिलता है, जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखोगे आप 8 कुना का केला है, और 8 कुना में कुछ 6 ही केले आते हैं, तो भी क्या करें, अब खाना है तो खरीदना पड़ता है। तो ये सब अलग अलग फ्रूट है। अनानास ख़रीदना हो तो आप देखोगे कुछ 15 कुना का है, फिर आम भी है यहाँ पे 9 कुना की है, फिर अदरक चाहिए आपको तो अदरक का रेट आई थिंक 24 कुना, नहीं नहीं अदरक का रेट नहीं होगा, और किसी का ये आई थिंक सो इसका रेट होगा, कीवी का रेट होगा 24 कुना, इसका रेट प्रॉपर लिखा नहीं लोगों ने। तो बहुत सारे फ्रूट्स आप देखोगे, और एप्पल्स पे भी टाइप्स है, ग्रीन है, रेड है, लाइट कलर के, सबके अलग अलग प्राइस है। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, तो ऑरेंज का रेट कुछ 6 कुना का है। तो ये सब फ्रूट्स के सेशन है। तो अभी हम आते हैं आलू के सेशन में। तो आलू है ये 2.5 किलो का है, जो आएगा 18 कुना में, यहाँ पे लिखा है। और ये कांदा है, और कांदा चाहिए तो हमें आएगा ये 14 कुना में। और लूज़ कांदा ख़रीदना हो तो लूज़ कांदा ख़रीदेंगे, हम लोग को 5 कुना का पर केजी पड़ेगा, वो भी ख़रीद सकते, ये भी ख़रीद सकते, अपनी चॉइस पे है। लहसुन यार, लहसुन बहुत महंगा यहाँ पे, आप देखोगे 37 कुना का है, पर हम खाते हैं लहसुन, तो हम लहसुन भी लेंगे अभी थोड़ा। तो अभी आओ हम थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स ख़रीदते हैं। तो कॉर्नफ्लेक्स का रेट यहाँ पे 14 कुना वाला भी है, 12 कुना वाला भी है, फिर 30 कुना वाला भी है, 21 कुना वाला भी है, सब अलग अलग है। तो ये आई थिंक तो 1 केजी रहेगा, यस 1 केजी है, जो है कुछ 21 कुना का, और ये है आधा किलो 14 कुना का। तो ये अभी मेरे पास पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ बड़ा ही ले लूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ मैं अभी। चलो एक काम का तो बड़ा ही ले लेता हूँ, तो काम आएगा, आराम से दूध के साथ खा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो हम खाते नहीं, पर हाँ न्यूटेला आप देखोगे तो यहाँ पे 25 कुना का मिलता है, और उससे बड़ा वाला चाहिए 700 ग्राम वाला तो 42 कुना का मिलता है। तो ये भी लास्ट टाइम मैंने ख़रीदा था, तो है हमारे पास वो। तो फिर आते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, ब्रेड की सेशन में। ठीक है, यहाँ पे यार रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग ब्रेड ही खाते हैं। अभी बेलन ढूंढ रहे हम लोग, एक जगह मिला था बट वो आउट ऑफ बजट था, पर हम उन्हें छोड़ दिया। तो अब आपको और एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे ब्रेड के प्राइस ही। तो आप देखोगे ब्राउन ब्रेड जो है 13 कुना का है, नॉर्मल ब्रेड जो है 6 कुना का है, 8 कुना की ब्रेड है, 12 कुना के ब्रेड है, 10 कुना के ब्रेड है, 11 कुना के ब्रेड है, 12 कुना के ब्रेड है, 24 कुना के ब्रेड है। ब्रेड में भी बहुत टाइप्स है इनके पास, और मतलब बहुत टाइप है ब्रेड में, तो इनके पास हर चीज़ में इतने टाइप है ना पूछो मत। तो ये सब अलग अलग टाइप की ब्रेड्स है। और यहाँ पे रोटी खाना हो तो तुर्तीरा बोलते हैं रोटी को लोग यहाँ पे, वो भी रेडीमेड मिल जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे पैक में रेडीमेड मिल जाती है, फिर इसको आपको गर्म करना पड़ेगा, ये देखिए ऐसे मिल जाती है, फिर इसको आपको गर्म करके खाना पड़ता, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने एक बार खाया था, मेरे को ज़रा भी मज़ा नहीं आया ये सब खा के ऐसे। और आटा भी यहाँ का इतना कड़क होता है कि आप रोटी बनाओगे तो 5 मिनट में कड़क हो जाती, कितना भी पानी डालो, कितना भी कुछ कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये रवा यहाँ पे, ये देखोगे रवा का रेट कुछ 8 कुना है। फिर ये सब बिस्किट्स है, सब अलग अलग स्वीट बिस्किट, 16 कुना के, 31 कुना के है, फिर आप देखोगे 16 कुना के, 18 कुना के। तो काफ़ी एक चीज़ की काफ़ी अलग अलग कंपनी से, अलग अलग ब्रांड्स है, आपको जो बेटर लगे आप ख़रीद सकते हो। तो मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे ओरियो बिस्किट मिलता है, तो आपको दिखाता हूँ ओरियो बिस्किट। ओरियो बिस्किट का रेट है यहाँ पे 10 कुना का, ये पैकेट है ये 10.49 कुना का, और ये उसका पेस्ट होता है जैसे आपको केक में डालना हो तो वो एक काम आता है। और फिर ये आप देखोगे 15 कुना का, जिसमें अच्छे खासे मतलब क्वांटिटी मिल जाती है आपको बिस्किट की। तो अभी हम आ गए चिप्स वाली मार्केट में, तो डोरिटोस मिल जाता है, आप देखोगे 10 कुना का डोरिटोस है, और फिंगल्स भी यहाँ पे मिल जाता है 21 कुना का फिंगल्स है, सब फ्लेवर्स है डिफरेंट डिफरेंट फिंगल्स के। फिर ये इनकी लोकल ब्रांड्स की चिप्स है जो आपको मिल जाती है,
ये देखिए, ये मैंने वहाँ से ऑफर में खरीदी, यहाँ पे 11 की, पर वहाँ पे 4 है, बस ब्रांड अलग है पर प्राइस सेम है। लेस मिल जाती है आपको, देखो अलग अलग टाइप की लेस है यहाँ पे, जो 12 कुना में आपको मिल जाएगी। और बाकी ये सब यहाँ की इनकी लोकल ब्रांड्स है, जो स्टार्टिंग 12 कुना से होती है, 8 कुना से होती है। ये पूरा चिप्स का अलग अलग टाइप्स है और अलग अलग ब्रांड्स की चिप्स है यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ये है दूध वाला सेशन। तो यहाँ पे दूध का अगर हम ये ट्रेल्टर पैक लेते हैं, इसका प्राइस कुछ 6 कुना के करीब है। अगर हम ये वाला 6 लेंगे बॉटल्स, 6 बॉटल का प्राइस है कुछ 44 कुना, यानी कि 45 पकड़ लो। फिर हम ये साइड आएंगे तो ये साइड भी अलग अलग ब्रांड्स है। इस ये अगर ट्रेल्टर पैक लेंगे तो इसका प्राइस कुछ 8 कुना है, और ये वाला ट्रेल्टर पैक लेंगे हम उसका प्राइस कुछ 8 कोना है सेम। तो यहाँ का दूध अच्छा, मतलब ख़राब डेली नहीं होता। हम लोग एक एक हफ्ता यहाँ पे दूध चलाते हैं, तो यहाँ का दूध बहुत अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता। अपने यहाँ पे जल्दी ख़राब हो जाता है, बिकॉज ताज़ा होता है। तो हम 2-3 पैकेट दूध के ले लेंगे, बिकॉज रोज़ रोज़ मार्केट आना यार बहुत दिक्कत हो जाता है। तो 2-3 पैकेट दूध के ले लेंगे हम, जो ईजी पड़ता है। अगर आपको ठंडा पीना हो तो कोको कोला यहाँ पर बहुत मिलता है, तो कोको कोला का प्राइस कुछ 13 कुना है। और पेप्सी यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलता है, पर उसका प्राइस 14 गुना है। और यहाँ पे पानी लोग बहुत ख़रीदते हैं, पानी और टिश्यू पेपर। अगर आपको पानी ख़रीदना हो तो ये कुछ 11 गुना का है। तो अगर आप कोको कोला ऐसे नॉर्मल स्टोर से लेते हो तो आपको ये इससे छोटा जो रहता है वो बहुत महंगा मिल जाता है, वो कुछ अराउंड आपको 18 गुना का मिलता है, और ये उससे कम रेट में मिलता है मार्केट में। तो यही फ़ायदा है, अगर आप मार्केट से ख़रीदोगे तो आपको कम रेट में मिलेगा, अगर आप ये छोटे छोटे स्टोर मार्केट से ख़रीदोगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा। प्राइस रेंज का बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। तो ये कोलगेट के ब्रश है, अगर आपको ख़रीदने हो तो 20 कुना के है, 20 कुना के और 10 कुना के भी अलग अलग है। और कोलगेट का स्टार्ट रेट होता है कुछ 25 कुना से, छोटा वाला लगे तो 18 कुना से, फिर ये उनके अलग अलग टाइप्स है 18 कुना, और नॉर्मल वाला 9 कुना का है। तो ये कोलगेट है, जो आपको हर जगह मिल जाएगा कोलगेट आपको। तो ऐसे ही पूरा बहुत बड़ा मार्केट है, मैं आपको सब कुछ तो नहीं पता पाऊँगा, पर जो बेसिक चीज़ें जो वहाँ पे भी मिलती है, और यहाँ पे अगर आप आओ इन फ्यूचर आपको कुछ ख़रीदना हो तो आपको दिमाग में रहेगा कि वहाँ से क्या ख़रीद के लाना है, यहाँ पे क्या ख़रीदना आपको। और हर चीज़ तो आप वहाँ से ख़रीद के नहीं ला सकते, तो कुछ कुछ चीज़ आपको यहाँ से डेली या वीकली ख़रीदनी पड़ेगी। तो आप देखोगे मेरा ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, तो अब मैं ज़्यादा नहीं ख़रीदूँगा, बस 2-3 जूस ख़रीदूँगा और कुछ देखता हूँ, कुछ मिसिंग होगा तो ख़रीदूँगा मैं। तो अभी हम आए शक्कर वाले सेगमेंट में। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो शक्कर होती है बहुत ही बारीक पाउडर जैसी होती है एकदम, और इसका रेट है 7 गुना। और यही शक्कर हम लेते हैं, मतलब कितना भी डालो ऐसा लगता है कि शक्कर, मतलब हम मीठा लगता ही नहीं है। और ये है आटा, अगर ये 5 किलो का बोरी है, अगर ये आप लोगे तो 28 गुना की है, और छोटे में आओगे तो अलग अलग है, सब ब्रांड्स है। और समझ के लेना, कुछ मैदा के है, कुछ मिक्स है। तो ये कुछ 7.5 गुना का है, ये कुछ 6 गुना का है, ये कुछ 7 गुना का है। अभी तक मैंने आटा ख़रीदा नहीं है, क्योंकि मेरे को आटा वाला सिस्टम यूरोप में समझ ही नहीं आया। इनकी रोटियाँ कितनी भी मैं बना तो कड़क ही हो जाती है, सर्बिया में बहुत दिक्कत हुई थी, इसलिए अभी तक मैंने आटा का भी ख़रीदा नहीं है। बट हाँ, बहुत जल्द मैं सोच रहा हूँ कि अब रोटी खाना चालू कर दूँ, कि रोज़ ब्रेड वाला हमसे नहीं हो पाएगा यार, हम नहीं खा पाएंगे रोज़ ब्रेड, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, तो आपको और एक चीज़ देखा, तो पास्ता अगर आपको खाना हो इन फ्यूचर और ख़रीदना हो तो 7 गुना होता है, दोनों टाइप के मिल जाते हैं आपको अलग अलग, और सेम ही है, सब ब्रांड्स का डिफरेंस है। तो ये पास्ता, और मैं आपको लेके चलता हूँ तेल वाले सेगमेंट, क्योंकि तेल हम रोज़ खाते हैं, तो तेल का प्राइसिंग 14 गुना से होता है। आप देखोगे ये ब्रांड का लोगे सनफ्लावर ऑयल तो 14 गुना का है, ऊपर वाला जो ब्रांड का लोगे तो 19 गुना के करीब है, और फिर ये वाला ब्रांड का लोगे तो 19 गुना का है। तो ऐसे ही सब अलग अलग प्राइस रेंज में तेल मिल जाते हैं। तो गाइस, इतना सामान जो मैं मार्केट से लेके आया हूँ, और ये सामान का कुछ बिल है 178 गुना।
कुछ चीज़ें हर हफ्ते चल जाती है, कुछ चीज़ें महीने में चल जाती है, जैसे कि सब्जी हो गया, दूध हो गया, जूस हो गया, ये मुझे हर हफ्ते ख़रीदना पड़ता है। और यहाँ पे आने ऑलमोस्ट मुझे 20 दिन हो चुके हैं और ये मेरा थर्ड टाइम है मार्केट में गया हूँ। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से देखने जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत महंगा है, और यहाँ की करेंसी से हिसाब से हम रेट देखेंगे तो ओके ओके, इतने हाई भी नहीं इतने लो भी नहीं है, मीडियम लेवल पे है इनकी करेंसी के हिसाब से। और ऐसे ही आपको कुछ भी डाउट हो तो मैं ऐसी कुछ वीडियो बनाते रहूँगा, आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियो बनाना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो उसका भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पे रहना, सेफ रहना और दुआ में याद रखना।